आप सभी ने ये फीचर आपके मोबाइल में भी देखा होगा, क्योंकि मोबाइल में ये फीचर अवेलेबल होता है स्टॉपवॉच का। तो स्टॉपवॉच कैन बी मेड टू स्टार्ट और स्टॉप विद द हेल्प ऑफ अ पुश बटन एंड इज यूज टू मेजर टाइम एट स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी ये टाइम मेजर करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, स्टॉप एक पुश बटन होता है जिससे ये स्टार्ट और स्टॉप होती है। ठीक है, इट कैन मेजर 1/10 ऑफ अ सेकेंड। फॉर द मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट एटॉमिक क्लॉक्स आर बीइंग यूज्ड। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये 1/10 सेकेंड के 1/10 को भी मेजर करते हैं स्टॉप वॉच। और मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, टाइम का मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए एटॉमिक क्लॉक्स का यूज होता है। ठीक है, दीज क्लॉक्स आर बेस्ड ऑन वाइब्रेशन ऑफ एटम्स फॉर मेजरिंग टाइम्स। ठीक है, अ टाइमर इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्लॉक यूज टू कंट्रोल। आप सभी लोगों ने अपने घरों में देखा होगा माइक्रोवेव पे या वॉशिंग मशीन्स पे, है ना, ट्रैफिक सिग्नल्स पे या एयर कंडीशन पे एक स्पेशल टाइप के टाइमर्स होते हैं। तो ये टाइमर जो होते हैं, अ टाइमर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉक यूज टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट। इट इज यूज इन माइक्रोवेव्स, वॉशिंग मशीन्स, ट्रैफिक सिग्नल्स एंड एयर कंडीशनर एक्सेट्रा। तो इस टाइप से टाइमर्स होते हैं, ये स्पेशल टाइप के क्लॉक्स होते हैं जो कि सीक्वेंस को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, ना, जो इवेंट के सीक्वेंस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए होते हैं। नाउ द यूनिट ऑफ टाइम, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम इज सेकेंड, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। लार्जर यूनिट्स दैट इज मिनट और MIN से डिनोट किया जाता है एंड आर्स दैट इज डिनोटेड बाय H। ओके, नाउ अब हम लोग पिक्चर्स देखते हैं स्टॉप वॉच का कैसा होता है और जो क्वार्ट्ज वॉच होते हैं उनका पिक्चर कैसा होता है। सी द डायग्राम्स, ये अ नॉन डिजिटल क्वार्ट्ज वॉच है ये, और ये क्या है, अ डिजिटल क्वार्ट्ज वॉच। ठीक है, एंड द बैक साइड ऑफ क्वार्ट्ज अलार्म क्लॉक, ये बैक साइड है, जो क्वार्ट्ज अलार्म क्लॉक होते हैं उनका ये बैक साइड है, इसमें ये गियर्स होते हैं, ये देखिए। दिस इज स्टॉप वॉच, ठीक है, ये स्टॉप वॉच है, अलग से भी ये अलग से इस तरीके से होती है जो छोटी सी होती है और स्पोर्ट्स टीचर्स के पास होती है और स्पोर्ट्स इवेंट में इनका बहुत यूज होता है। और इसका फीचर, स्टॉप वॉच का फीचर आप सभी के मोबाइल्स में भी होता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज